हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह का हम लोग ईडिन लेके आ चुके हैं, नए तरीका का ईडिन। तो लड़का को लड़की कैसे बनाएं, तो इस वीडियो में बताऊंगा फेस को स्मूथ कैसे किया जाता है फुल एचडी में। कि इस तरह का फोटो था तो इस तरह का कुछ बन चुका है। तो मेरा शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना, लड़की को लड़का कैसे बनाएं तो इस वीडियो में बताया हूँ। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना। तो इसको शेयर करना, फेस ऐप में प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप लोग फेस ऐप बोल देना तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फेस ऐप में। तो आपको यहाँ से आप लोग को ये वाला फोटो लेना अपना। देखिए, मैं फोटो इस पर शेयर करना, जो आपको लड़की बनाना चाहते हो इसको आप टिपना। तो आपको इससे टिपने के बाद आपको देखिए यहाँ पर है ऑप्शन फेस स्मूथ, तो इस पर टिपना है। तो आप लोग दूसरा वाला टिप लेना है, दूसरा वाला टिपने के बाद ऊपर वाला टिप लेना। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सोलो मेरा नेट चल रहा है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर लोग सर्च भी कर सकते हो। देखिए, हम लोग पहला वाला टिपते हैं। पहला वाला टिपने के बाद देखिए इस तरह कुछ खुल कर आ जाएगा। इतना अपना जो अच्छा लगे तो आप लोग लगा सकते हो। चलिए हम लोग ये वाला लगाते हैं। ये वाला लगाने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार हम लोग कर लेते हैं। इतना करने के बाद देखिए इस तरह कुछ हो जाएगा। तो मेरा फेस तक थोड़ा सा आ चुका है। तो देखिए ऊपर वाला है मिटाने वाला, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ऐसे आपको हल्का हल्का रिप्लाई करना है अच्छे तरीके से पूरा। तो इतना करने के बाद ऐसे आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कर लेना। तो इतना करने के बाद यहाँ से आप लोग सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको जाना है पिक्सल ऐप में। चलिए हम लोग पिक्सल ऐप में चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पिक्सल में। तो यहाँ से आपको जाना, देखिए यहाँ पर है ऐड फोटो, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने का आपको बैकग्राउंड लेना अपना अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड ले लेना, यहाँ देखिए जोड़े लिखा है, तो हम लोग जोड़े पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग हल्का सा ऐसे इसको पूरा ऐसे बढ़ा देना है। तो बढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पर इरेजर वाला मिटाने वाला, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर इसको फुल कर इस पहले मिटा लेना है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को ऐसे आप लोग अच्छे तरीके से पूरा ऐसे इतना कर आप लोग ऐसे चलाना पूरा ऐसे बैकग्राउंड के ऊपर चलाना। देखिए यहाँ पर है, तो इस पर हम इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कर लेना। चलिए बिना देर के वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। वीडियो मेरा ज़्यादा लंबी हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो चलिए फास्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरा कर लेना। चल देखिए हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने में यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फोटो को काट लेते हैं, हल्का सा इतना हम लोग काट लेते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा इतना काट लेते हैं। तो इतना काटने के बाद आपको यहाँ से देखिए यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है लाइट रूम में। तो चलिए हम लोग लाइट रूम में चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम में। तो लाइट रूम में आने के बाद आपको इस पर लाइट पर क्लिक करना है। लाइट को कुछ हल्का सा बढ़ा देना है, इसको भी हम लोग कुछ इतना बढ़ा देते हैं। इतना बढ़ाने के बाद आपको कलर वाला पे जाना है। कलर आगे जाने के बाद आपको इसको हम लोग कुछ इतना कर लेते हैं हल्का। सो इतना करने इसको हम लोग कुछ इतना कर लेते हैं, इसको कुछ हल्का सा एयर कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद आपको जाना है इस वाला ऑप्शन पर। तो इस इतना आने के बाद इसको क्लिक करना है, हल्का सा इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा थोड़ा करना है। इतना करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर जाना, आप लोग सेट का हम लोग चटकार कर लेते हैं कलर। तो इतना करने के बाद देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स, चलो के लिए बाय बाय।